जी फ्रेंड्स, ये हमने मैंगो कुल्फ़ी बनाई है बिल्कुल नए तरीके से, बहुत ही डिलीशियस मैंगो कुल्फ़ी। इसको हमने मैंगो के अंदर ही स्टफ मैंगो कुल्फ़ी बनाई है, बहुत यमी लगती है, बहुत डिलीशियस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो कुल्फ़ी बनाना। हमें सबसे पहले आम का पल्प निकालना है और इस तरीके से निकालना है कि इसकी कवरिंग में कोई कट ना लगे। तो अब देख लेते हैं कि इसको कैसे कट करेंगे। सबसे पहले ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको थोड़ा गोलाई में काटेंगे, थोड़ा मतलब इस तरीके से। थोड़ा चौड़ाई में करके इसको काटिए। इस कैप को भी अभी हम संभाल के रखेंगे। अब इसे इस तरीके से धीरे धीरे चक्कू को अंदर तक ऐसे ले जाइए जितना ये जा सकता है, कट नहीं लगना चाहिए। कवरिंग हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, इसका अंदर का पल्प हमें निकालना है सिर्फ। हाथ में लेके करेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा रहेगा। अब हमें मिक्सी के जार में इस आम के पल्प को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, इसको पीस लेना है। अच्छा, आप थोड़े से नट्स जो है वो भी बारीक बारीक काट के रख सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी है आपके पास। मेरे पास कुछ बादाम है तो मैं इनको कट कर रही हूँ, इससे भी फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। तो इनको ऐसे बारीक बारीक हम रफली ऐसे कट कर देंगे। इस तरीके से रफली हमें कट करने हैं, जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है आपके पास। मेरे पास बादाम, मैंने बादाम को बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले अब गैस पे हमें कढ़ाई रखनी है और हमें बनाना है मावा। तो मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, लीटर दूध चढ़ाएंगे और इसको ना तेज ना बिल्कुल डिम, मीडियम आंच पे पकाएंगे। इसको कढ़ाना है, काढ़ के इसका हमें ऐसे भी धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा और इसका मावा बन जाएगा।
अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमने मावा लिया है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी मावा है या मार्केट से आपने लिया हुआ है तो उसको बस हल्का सा आप भून लीजिए और फिर उसको ठंडा होने देंगे। मैंने दूध से जैसे कि मावा निकाला है, लेकिन हमें अब क्या ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये नॉर्मल है, ठंडा है। अब इसमें चीज़ें हम मिक्स करेंगे। इसको पहले थोड़ा सा मैं चम्मच से इस तरीके से मैश कर लूँगी। अब इसमें हमें डालना है शुगर पाउडर, ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आम मीठा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें स्वीटनेस चाहिए। तो 3 आम है मेरे पास, उसके हिसाब से मैं 1 कटोरी शुगर पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा मीठा खाते हैं उस हिसाब से। शुगर पाउडर को मावे में मिला रहे हैं। इसके अंदर जो हमने छोटे छोटे नट्स काटे थे ये डाल देंगे। आपके पास इलायची पाउडर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसकी इलायची की खुशबू आपको अच्छी लगती है तो ही आप डालिए। मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने आम का जो पल्प है ये ग्राइंड कर लिया था अच्छे से, इसको इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको चला लीजिए जैसे कि अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। अब इस पेस्ट को हम आम के कवर के अंदर अच्छे से फिल करेंगे। मैंगो कुल्फ़ी पूरी जम चुकी है, 10 से 12 घंटे मैंने इसको रखा था फ्रिज में, बढ़िया तरीके से ये जम चुकी है। अब इसकी कटिंग करने वाले हैं हम, इसको काटना स्टार्ट करते हैं। अब
अब इसके कैप के साथ भी काट सकते हैं, हटा के भी काट सकते हैं। मैं कैप के साथ इसको कट कर रही हूँ, और ये देखिए टेस्टी यम्मी कुल्फी। इसको सी ठंडा ठंडा आप सर्व कीजिए। अमेजिंग। दूसरा भी कट कर रहे हैं। कैसे आप मैंगो के अंदर ही फिलिंग करके इतनी यमी मैंगो कुल्फ़ी बना सकते हैं, इसको आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में आपको ये नए तरीके की मैंगो कुल्फ़ी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बराबर में बेल बटन है, उससे आपको मेरे न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए थैंक यू।